खबर हल्द्वानी से, जहां कुमाऊं मंडल में 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया, जिसके अंतर्गत पूरे कुमाऊं के पेशेवर अपराधियों पर नजर रखी गई। इस अभियान को लेकर DIG डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से पुलिस ने कुमाऊं क्षेत्र के 7 अपराधी पकड़े और 670 अपराधियों का सत्यापन हुआ। अभियान के अंतर्गत कुछ आरोपी फरार मिले तो कहीं आरोपी या जुर्म में अब तक संलिप्त नहीं पाए गए। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों की मॉनिटरिंग कर रही है और हर एक अपराधी पर नजर रखी जा रही है। DIG नीलेश आनंद भरणे का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधि से अराजक तत्वों पर पुलिस का खौफ बढ़ेगा और जुर्म की गुंजाइश कम रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि आए दिन शहर में चोरी की घटनाएं घट रही हैं और छेड़खानी जैसी घटनाएं रोजाना सामने आ रही हैं, पर पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभियान पुलिस का चला, जिससे जो है अपराधियों में एक हलचल मची कि सबका वेरिफिकेशन किया गया। कुछ जो है वो संगीन धाराओं में फरार थे अभियुक्त, ऐसे 7 अभियुक्तों को पकड़ा गया और लगभग 670 लोगों को जो है वेरीफाई किया गया। इसमें जो शान थे उनकी जो है वो लिस्टिंग की गई, अन्य के खिलाफ कुछ चालान भी किए गए। कई सारे जो है इसमें अभियुक्त जो है फरार भी मिले, जो कि जो है उनका अता पता नहीं लग पाया।